सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24x7। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूं, वो शख्स किसी पहचान के मोहताज नहीं। उन्हें सिर्फ मैं या आप ही नहीं, बाकी पूरे जहानाबाद के लोग जानते एवं पहचानते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें पूरे हिंदुस्तान वासी जानेंगे और पहचानेंगे। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे कि मैं किस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं। जी, आर्ट्स क्लब के डायरेक्टर एवं लोकसभा फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सरफराज अहमद। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले पत्रकार भाइयों को और जो मुझे देख रहे हैं जहानाबाद के जितने भी दोस्त एवं स्टूडेंट को मेरा सलाम आदाब नमस्कार। सर, आपके आने वाली फिल्म लोकसभा की क्या कहानी है सर, और फिल्म को आपने लोकसभा का नाम क्यों दिया? जो लोकसभा जो फिल्म है, हमारी फिल्म का जो टाइटल है, वो लोकसभा के बारे में लोगों तक कि लोकसभा आखिर क्या है, लोगों को सही ढंग से पता नहीं है, इसीलिए लोकसभा का नाम रखा गया कि लोकसभा आज तक फिल्म नहीं बनी है। तो लोकसभा मुझे फिल्म बनाने का ये हुआ कि लोकसभा चुनाव के बारे में आखिर एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में ये दिखाया जाएगा। ये मतलब देश की आज़ादी 1947 के बाद से लेकर 2024 तक का दिखाया जाएगा यहाँ की राजनीति पूरे हिंदुस्तान की। इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं सर? देखिए, इसमें तो बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार हम कास्ट किए हैं, जैसे कि राहुल राय, भाग्यश्री जो मैंने प्यार किया की हीरोइन है, उसके बाद पृथ्वी जो दिल का क्या कसूर की एक्टर है, फिर उसके बाद राजा मुराद है, अली खान है, सौरभ ठाकुर है, ये हीरो है बहुत अच्छा अभी, उसके बाद ये सुफियान कपाड़िया है, नीलोफर है, सुरेंद्र ठाकुर है, और NHD के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो उनको भी चांस नहीं मिलता है, उनको भी यहाँ इस फिल्म में हम उनको भी कास्ट किए हैं। और जहानाबाद में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट और भी अरवल का हो गए हैं, फिर कुर्था, किंजर, घोसी, रतनी, जहानाबाद शहर का बहुत सारे कलाकार जो हैं उनको भी मैं इसमें काम दे रहा हूँ। सर, इस फिल्म की बजट क्या है और ये फिल्म कब तक के रिलीज हो जाएगी सर? ये फिल्म का बजट है 12 करोड़ की बजट की ये मूवी है, और ये चुनाव लोकसभा चुनाव की बात दिवाली के आसपास में ये रिलीज होगी, पूरे पूरे इंडिया लेवल पर होगी। सर, सुनने में आ रहा है कि होने वाले लोकसभा चुनाव में भी आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इसमें कहां तक सच्चाई है सर? देखिए, जनता जाग गई है, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक ने हर पार्टी को जिताया, चाहे वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, RJD हो, JDU, सबको जनता ने जिताया। और देखा देश मतलब 47 के बाद 2024 तक का कोई विकास, कोई ऐसा चीज जहानाबाद में कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि जहानाबाद में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज, साइंस कॉलेज है ना, इंजीनियर कॉलेज जरूरी है होना, उसके बाद रोजगार होना चाहिए। अगर मैं जीतूंगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां मैं यहाँ लगवाऊंगा, मैं यहाँ रोजगार दूंगा, और कॉलेज जितने भी शिक्षक के हैं सब पे हम काम करेंगे। और अरवल में रेलवे स्टेशन का मुझे इसके बारे में मुझे भी काम करना है, क्योंकि अरवल सर ना बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता आपको क्यों वोट दे सर? क्या जनता के बीच आप जाएंगे तो आखिर किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, आखिर कैसे उनको आप अपनी ओर आकर्षित कीजिएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन जनता जाग गई है, पब्लिक है, सब जानती है कि बड़े बड़े, ठीक है आपकी सवाल में कि बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े नेता चुनाव लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं जहानाबाद से, पर जनता जाग गई है और जनता ने मुझे चुन कर दिया, लोकसभा निर्दलीय चुनाव जहानाबाद से लड़ा रही है। सर, आखिरी सवाल, आज आपका एक सॉन्ग
लॉन्च हुआ है, इसके बारे में क्या कहना आपका? हाँ, आज बहुत खुशी के दिन है कि मेरा एक लोक सभा फिल्म का एक ऑडियो सॉन्ग इंटरनेशनल लेवल पे आज ये गाना रिलीज हुई है। ये सॉन्ग का नाम है उम्मीदवार, ये लोकसभा का एक टाइटल सॉन्ग है। सर आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से जहानाबाद वासियों के लिए क्या संदेश है? सर जहानाबाद वासियों के लिए ये है कि जितने भी समुदाय के लोग हैं आपस में भाईचारा बना के मिलजुल करके आओ रहें, एक दूसरे को इंसानियत बहुत बड़ी धर्म है उसको आप अपना परंपरा जो भी है उसके हिसाब से चलें। और मैं यही अपने जहानाबाद वासियों के लिए यही कहना चाहता हूं कि आपस में भाईचारा बना के रखें। धन्यवाद। ये थे लोकसभा फिल्म के डायरेक्टर सरफराज अहमद, कैमरामैन तमन्ना शेख के साथ मैं मोहम्मद फहीम हुसैन